दूर दराज से जो मेहमान आते हैं, तो अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए हम लोग बनाए हैं, बहुत अच्छा बनाया है, खाना खिलाते हैं। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में कितनी साफ सफाई है, हर प्रकार की रोटी ये बनाते हैं, इतनी अंदर इनके अंदर इतनी कलाकारी है। ऑल राइट, सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आप लोगों को पता ही होगा, महफिल ढाबा का एक डिटेल वीडियो बनाया था। सो गाइज, इस वाले ब्लॉग में मेरे को एक भैया, मतलब महफिल ढाबा के, मतलब जो कैप्टन उनको, सो वो भैया मेरे को क्या बोलते हैं, पूरा महफिल ढाबा की सारी डिटेल बताएंगे अपने तरीके से। सो वो सारी डिटेल इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो गाइज, ये वाला ब्लॉग पूरा देखना, ये वाला वीडियो बोल लो, डिटेल वीडियो बोल लो, डिटेल ब्लॉग बोल लो, जो भी बोल लो। सो ओके, सो चलो भैया की बातें सुनते हैं, देखते हैं क्या क्या बताते हैं इस महफिल ढाबा के बारे में। चलो तो चलिए भैया बताइए, आप अपना शुरू करते हैं। ओके, और गाइज ये भैया हैं, आप अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम आसिक अली है। इनका नाम आसिक अली है और यही बहरई से हैं, जिला बहरई से हैं, बोल रहे हैं कि और ढाबा पे यहाँ कैप्टन की पोजीशन पे मैं काम करता हूँ। कस्टमर को हैंडल करना, बैठाना कस्टमर को। सो गाइज, यही मुझे आप पूरा मतलब वीडियो बनाने में मदद करेंगे पूरे महफिल ढाबा की। तो चलते हैं इनके माध्यम से, पूरा आप लोगों को भी शो कराते हैं महफिल ढाबा और हर एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो चलो। सो गाइज, आ गए हम लोग बिल्कुल बाहर और अब शुरू से करेंगे इन भैया की मदद से, पूरा जानकारी लेंगे, देखते हैं कैसे क्या रहता है। सो भैया चलिए, लेके चलिए हमें। ये सर महफिल ढाबा है, ये इसका जो बैकग्राउंड जो ओपन एरिया का है, ये पार्किंग है और इस साइड में आप देख सकते हैं ये हमारी शॉप है। यहाँ पे फास्ट फूड का जितना फास्ट फूड का आइटम है यहाँ से बाहर मतलब बनाया गया, कस्टमर आते हैं तो मतलब बैठ के इधर इन्जॉय करते हैं। और ये हमारी पार्किंग भी है, मतलब पार्किंग काफ़ी अच्छी है, गाड़ी ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे एज हो सकती है। ये जो महफिल ढाबा जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ढाबा बनाया गया है। महफिल आप ऐसा ढाबा आजमगढ़ में आप नहीं मतलब पाएंगे। हाँ बिल्कुल, इनका जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा बनाया और टेस्ट के मामले में बहुत ही काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये हमारे जो उस्ताद हैं कोई झारखंड से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई बिहार से है और कोई जिला बहराइच से है। बिल्कुल, जो हम लोग इसको मिल के चला रहे हैं और मैं इधर कैप्टन की पोजिशन पर, आप आइए मेरे साथ में, हम लोग वहाँ से फंक्शन करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे लोग आते हैं खाना खाते हैं, खाना खा के फिर यहाँ पे इंजॉय करते हैं, फिर सेल्फी लेते हैं और ये सब देख सकते हैं, सब गार्डन वार्डन सब बनाया गया, बहुत अच्छा ही मतलब डेकोर किए हैं हमारे। हाँ, बहुत ही अच्छा बनाया गया। और ये सब वास्तुरूम है सर, ये भी इधर गार्डन है, ये अपना ये ओपन एरिया है, ये भी सेल्फी पॉइंट दिया गया, लोग खाना खाते हैं फिर अपना इंजॉय करते हैं। और ये जो सामने का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एसी हॉल बनाया गया है, ये जेंट्स के लिए एसी हॉल बनाया गया है, इसमें लोग जाते हैं, एसी का कोई चार्ज नहीं है और बहुत ही अच्छा खाना देते हैं। उनके पास स्टार्टर है और मेन कोर्स है, ड्राई आइटम है, बहुत सारे आइटम है अपने पास जो बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोग आते हैं, एक बार जो महफिल में आता है खाना खाने तो दोबारा ज़रूर आता है। ये अपना मजली से इसमें अगर 200-250 अगर एक बैग अगर आते हैं तो उसमें बैठ के लोग खा सकते हैं। ये अपना मजली से मतलब पूरा एक बैच, मतलब कॉलेज का हो गया या स्कूल का हो गया या बड़ी फैमिली वाले हो गए, तो इनके लिए पूरा ये बुक कर देंगे, मतलब हाँ बुक करते हैं हम लोग और खिला देते हैं। ये अपना एसी हॉल है, जेंट्स एसी हॉल है, जितने भी मतलब लोग आते हैं 200-250 लोग इसमें भी एडजस्ट करते हैं हम लोग। और वो हमारा उस साइड में आप देख सकते हैं एसी हॉल है, लेडीज़ एसी हॉल है, उसमें से लगभग 150 या 200 एक बैग अगर साथ में फैमिली आती है तो हम लोग उसमें एडजस्ट करते हैं। एसी का कोई चार्ज नहीं, हम लोग मतलब अच्छे से कस्टमर लोग का, गेस्ट लोग का वेलकम करते हैं। और वो आप सामने देख सकते हैं उसमें भी गार्डन है, फैमिली के लिए वास्तु फैमिली लिखा उस पर, हाँ ओनली फॉर फैमिली, वहाँ पे मतलब फैमिली के लिए झूला वाला बच्चों के लिए मतलब दिया गया है और बहुत अच्छा मतलब बनाया है, फेमस है ढाबा यहाँ पे, मतलब लोग आते हैं एक बार खाना खाने तो बार बार यहाँ आते हैं। नमाज पढ़ने, हम लोग नमाज इसी में पढ़ते हैं, जो भी मतलब दूर दराज से जो मेहमान आते हैं, तो अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज के लिए हम लोग बनाए हैं, बहुत अच्छा बनाया है। तो गाइज ये प्रेयर रूम जो लिखा है बाहर, ये मस्जिद है। इनका कहना है कि अगर कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं और नमाज के पाबंद है तो इसमें बिल्कुल आराम से वजू करके नमाज आप लोग पढ़ सकते हो। एसी भी लगी हुई है, फ़ैन भी लगा हुआ है और ऊपर आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त रूम बनाया गया है, एक बड़ा सा। सो चलो इसके बाद देखते हैं क्या है। और ये जो है हम लोगों ने ये लेडीज़
मजलिस बनाए हैं। इसमें लोग एक बैग आते हैं तो 15 से 20 लोग एक साथ में खाना खा सकते हैं। ये 4 मंजिला केबिन हम लोगों ने बनाया है। इसमें भी एसी मतलब लगवाना है, एसी लगी नहीं लेकिन इसको 1-2-4 दिन में एसी हम लगवा दें। ये जो है सामने जो है ये अपना एसी हॉल फैमिली की। देख लो ये अपना एसी हॉल है, इसमें एक साथ में लगभग 100-150 लोग बैठ के आराम से खाना खाते हैं। एसी ओसी का कोई चार्ज लोग नहीं लेते। अच्छा तो एसी का कोई चार्ज नहीं? एसी का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा सो गाइस यहाँ पे एसी का चार्ज नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, वो यही लोग जानेंगे। बट एसी का चार्ज बच्चों के लिए सब झूला वूला है, सब गार्डन वार्डन है और अच्छा सिस्टम सब बनाया गया। आ जाइए अंदर, ये हमारे ही लोग हैं। आइए तो गाइज अभी ये बच्चों का जो बनाया गया गार्डन टाइप झूला वूला इसमें हम लोग आ गए हैं। सो इसका भी कोई चार्ज वार्ज तो होगा नहीं? इसका कोई चार्ज नहीं है, मतलब जो फैमिली के साथ में जो बच्चे आते हैं तो बच्चे आपको तो पता है कि बच्चे बहुत ही मतलब शरारती होते हैं, तो झूला वाला हम लोगों ने इसलिए लगा दिया था कि फन के लिए थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। जी एंजॉय करते हैं, तो इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है। और ये फैमिली सेक्शन का मतलब टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है ताकि इसमें मतलब जेंट्स लोग नहीं आ पाए। सो गाइज इधर फीमेल के लिए इधर टॉयलेट और जो भी है वाशरूम काफ़ी सेफली बनाया गया है ओनली फॉर फैमिली फीमेल के लिए। सो काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख के इधर आ सकते हो अपनी लेडीज़ फैमिली जो भी है उनको लेके, और बच्चों के लिए भी इधर काफ़ी अच्छा है। तो ये भैया मुझे पूरी तरह से दिखा रहा है, चलिए और आगे देखते हैं क्या है। सो गाइज अब इंटर कर रहे हैं हम लोग एसी हॉल में इन भैया की लोग की मदद से। ये तो काफ़ी बड़ा रूम है। हाँ इसमें एक साथ में 150-200 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। ये सब हमारा स्टाफ है सर, अच्छे लड़के मतलब। ये येलो टी शर्ट में जो है ये इस महफिल ढाबा का स्टाफ है और बता रहे कि काफ़ी मेहनती लोग हैं यहाँ के, अच्छा लगा देख के भाई। साफ सफाई देख सकते हैं और हाँ ये तो है भाई, साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया तरीके से साफ सफाई की जा रही है इसकी। और इसमें फिर ये एक गेट है आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने किचन फैमिली हॉल के जस्ट बगल में बनाया है। ये फैमिली कहाँ है बताइए ज़रा? ये जो मतलब जेंट्स फैमिली हॉल के जस्ट पीछे बैकग्राउंड में हम लोगों ने किचन बनाया है ताकि मतलब सर्विस करने में आसानी हो। और ये मतलब यहाँ पे सब बर्तन जितने होते हैं ना सब क्लीन होता है यहाँ पे, ये सब किचन है। किचन से हम लोगों ने वेटर यहाँ से मतलब ऑर्डर पिकअप करते हैं और फिर इसमें एसी हॉल में खाना खिलाते हैं। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में कितनी साफ सफाई, आप देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना? सो गाइज ये किचन है महफिल ढाबा का और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ यार काफ़ी ज़्यादा सफाई है बाय द वे। और अगर आप लोग ढाबे पे जाते हो तो आगे से तो काफ़ी साफ़ सफाई रहती है लेकिन जो बैक रहता है वो उसका किचन रहता है, जो किचन रहता है जो हाइडन रहता है लोगों की नज़र से वो काफ़ी गंदा रहता है। लेकिन मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि किचन में काफ़ी ज़्यादा सफाई है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बढ़िया लगा यार देख के। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। तो चलिए भैया चलते हैं आगे देखते हैं और क्या चीज़ देखने लायक है। ये यहाँ पे सब रोस्टेड आइटम रहते हैं, यहाँ पे रोस्टेड आइटम ये सब हाफ डाउन करके हम लोगों ने पहले रेडी कर लेते हैं। ये सब तंदूरी आइटम जितना है रोस्टेड आइटम देते हैं। अच्छा। और यहाँ पे ये तंदूर वाले उस्ताद हैं हमारे, बहुत फेमस उस्ताद हैं। अच्छा। हर प्रकार की रोटी ये बनाते हैं, इतनी अंदर इनके अंदर इतनी कलाकारी है कि रोटी को मतलब बहुत ही ज़्यादा उछालते हैं, बहुत ही हवा में उछालते हैं। हाँ वो हमारे माननीय सबसे फेमस उस्ताद इब्राहिम उस्ताद हैं जो बहुत ही फेमस है, बहराइच के टापर नंबर एक डिस्ट्रिक्ट बहराइच नंबर एक के उस्ताद हैं। अच्छा। जैसा टेस्ट आप बोलेंगे वैसा टेस्ट देते हैं, वैसा टेस्ट वैसा टेस्ट देते हैं। सो गाइज आप लोग देख लो यही लोग हैं जो आप लोगों को इतना टेस्टी टेस्टी खाना देते हैं। सो आप लोग इनको इग्नोर मत करना यार, इनकी वजह से यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, इन्हीं की वजह से इतना अच्छा आप लोगों को खाना मिलता है। तो चलो चलते हैं आगे देखते हैं क्या मिलता है देखने को।
सो गाइज ये अंकल मुझे बुलाए थे अपनी ऑफिस में जहाँ पे मैं आप लोगों को काउंटर दिखा रहा था। सो अंकल अपना नाम बताएंगे प्लीज मेरे सब्सक्राइबर को। आशिक अहमद। इनका आशिक अहमद नाम है। तो बाहर से मुझे किस लिए बुलाए थे आप? मीडिया से है। अच्छा, तो ये मुझे समझे कि मीडिया से है, मतलब मीडिया ले नहीं होते ऐसे, मतलब कुछ भी थंबनेल डाल के फालतू चीज डाल देते, तो ये समझ के मुझे बुलाए थे। सो मैंने इनको बता दिया मेरा इंटरटेनिंग व्लॉग चैनल है, कोई मीडिया वीडिया की तरफ से नहीं है। सो चलो गाइज इन भैया को बाय बोल देते हैं, इनसे बहुत ही अच्छा लगा। सो भैया नाइस टू मीट यू। यही भैया आप लोगों को पूरा डिटेल जो भी मिली है इनके द्वारा मिली है, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो चलो इनको भी अब कोई और काम है, अब इनको छोड़ते हैं, फ्री करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, और ये वाला व्लॉग में पूरे महफिल ढाबा की डिटेल रहेगी, डिटेल थी जो कि आप लोगों ने देख ली। सो आप लोग पूरा व्लॉग देख के आराम से इसमें विजिट कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी शानदार और काफ़ी साफ़ सफाई वाला ये ढाबा लगा, जो कि मेरे दिल को एकदम करीब से छू गया। सो आप लोग अब कमेंट्स में बताना भाई कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग विजिट करना। ओके ठीक है, मिलते हैं अगले एक मस्त से व्लॉग में। ओके।